अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश हो खुर्रम रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ किचन में अपने बेटे की बर्थडे के लिए केक। तो केक जो है अभी तो मैं स्पंज बना रही हूँ, लेकिन उसकी फरमाइश है कि मेरी बर्थडे पे जो है वो बटर स्कॉच फ्रूटी केक जो है ना वो बना के दें। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं चीनी 100 ग्राम्स, मैदा 100 ग्राम्स एंड 4 एग्स। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम अब जो है ना चीनी को और अंडों को अब हम बीट करेंगे। हम वेनिला एसेंस ही डालेंगे और मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, इसको मैंने पहले ही छान लिया था मैदे को, तो आप भी इसको छान लीजिएगा। अब हम एक दफा इसको ऐसे क्लॉकवाइज और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज आराम से करेंगे ताकि ये बैटर जो है हमारा नीचे ना बैठे। इसमें मैंने रेड फूड कलर डाला है, मैं रेड कलर का केक बनाऊंगी। और दूसरा स्पंज जो है वो येलो कलर का होगा। फूड कलर मैंने पहले ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत ही नरम हमारा केक का स्पंज तैयार हो गया। अब उसके बाद मैं दूसरा सिंपल वाला स्पंज बनाऊंगी। ये देखिए दो स्पंज बना लिए, ये रेड वाला आपको मैंने बनाते हुए दिखाया था, सेम रेसिपी से वो येलो स्पंज बनाया, इसको अब हम बाद में हाफ करेंगे। अब हम चलते हैं कैरामल की तरफ। इसको हमने गोल्डन ब्राउन मेल्ट करना है। अब हम इसमें बटर डालेंगे, ये तकरीबन 25 से 30 ग्राम बटर है। हो गया। अब मैं इसमें जो है ना ड्राई नट्स डाल रही हूँ, जरा मोटे मोटे कूटे हुए हैं। आपके पास जो भी नट्स हो आप भी यूज कर सकते हैं इसमें, अखरोट, बादाम, पिस्ता, पिस्ता जो भी आपको चाहिए आप इसमें डाल लीजिएगा। कैरामल जो है विद नट्स जो है ये हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम इसको उतार के किसी भी पैन में जो है उसको ग्रीस करके ऑयल लगा के उसके ऊपर उतार के निकाल लेंगे और ठंडा करके। ये केक वाला ही पैन है, इसको मैंने ग्रीस किया है और इसके ऊपर ही जो है ये मैं उतार के रख रही हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी और जम जाएगी फिर हम इसको तोड़ लेंगे। आज सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन, चीनी, क्रीम और दो। हम इसमें दूध और जो हमने इसमें क्रीम मिक्स किया उसका मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। कैरामल क्रंच जो है ये मैंने
निकाल लिया है इस तरह करके। अब हम इसको तोड़ेंगे और इसके हम पीसेस करेंगे। अब इस पे क्रीम लगाएंगे। Happy birthday to you, dear Ibrahim. ये मेरे बेटे की बर्थडे का केक रेडी हो गया। केक इज रेडी, कट द केक। Happy birthday, dear Ibrahim. Happy birthday to you. ये मेरे बेटे के फ्रेंड्स आए हुए हैं। चले हेलो, हाउ आर यू? हेलो इब्राहिम। हेलो हेलो ईसा। चल अब इसको केक को कट करके दिखाते हैं कि कैसा बना। केक बहुत टेस्टी बना है, तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपने घर पे बनाइएगा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।